Hello children, how are you all? I hope you all are very fine. So this is your teacher Pooja Sahani with your book Grammar Glitter Odyssey by Brain Roots series. और हम आ गए हैं chapter number 21, comparison of adverbs. So previous chapter में we did adverbs and now we will do comparison of adverbs. So we use the positive adverb when no comparison is made. जब कोई comparison नहीं होता तब हम positive adverb का use करते हैं, like a horse runs fast. So यहाँ पर कोई comparison नहीं हो रहा, okay? Next we have comparative degree of an adverb. So ये हम कब use करते हैं? To compare two actions. जब हम दो actions के बीच में comparison कर रहे होते हैं तब हम comparative degree of an adverb का use करते हैं. जैसे कि अ हॉर्स कैन रन फास्टर देन अ डॉग, एक हॉर्स डॉग से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है. तो यहाँ पर दो एक्शंस का कंपेयर हो रहा है, हॉर्स और डॉग के, तो हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री फास्टर. ओके, वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर एक्शंस. जब तीन या उससे भी ज़्यादा एक्शंस का हम कंपेयर करते हैं तब हम यूज करते हैं बच्चों सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब. जैसे कि द चीता रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, चीता सारे एनिमल्स से ज़्यादा तेज दौड़ता है. तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब. प्रीवियस चैप्टर में आई हैव टोल्ड यू कि कैसे बनाते हैं हम ये कंपैरिजन, जैसे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं. यस, देयर इज एन इंटरप्रिटेशन बॉक्स और इसमें लिखा है एडवर्ब्स दैट एंड इन ly, जो भी एडवर्ब्स ly से एंड होते हैं और हैव मोर सिलेबल्स फ्रॉम देयर कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट. सो उनमें हम स्पेलिंग में उनकी चेंज नहीं करते, उनके आगे कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम ऐड कर देते हैं मोर और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम ऐड कर देते हैं मोस्ट. ओके, सो चलिए देखते हैं. सम एडवर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज रूल्स. जो मैंने आपको भी रूल्स बताए हैं उनमें से कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, जैसे कि ये हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. चलिए इसे रीड करते हैं. वेल, बेटर, बेस्ट. ओके, यहाँ पर वेल की जगह आप गुड भी लिख सकते हो बच्चों. ओके, वेल, बेटर, बेस्ट. बैडली, वर्स, वर्स्ट. आप बैडली की जगह बैड का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, इल का भी यूज़ यहाँ पर हो रहा है. सो मच, मोर, मोस्ट. फार, फर्दर, फर्देस्ट. ओके, फार, फार्दर, फार्देस्ट. सो आप यहाँ पर स्लाइटली सा चेंज नोटिस करो, जैसे फार, फार, दोनों की पॉजिटिव डिग्री की स्पेलिंग सेम है बट कंपैरेटिव में यहाँ है फर्दर यू आर और यहाँ है फार्दर ए आर. ओके, और यहाँ पर भी ऐसे ही है फर्देस्ट, फार्देस्ट. अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो यू वाला फर्दर और फर्देस्ट है ये यूज़ होता है किसी चीज़ की पोजिशन बताने के लिए और ये यूज़ होता है ए वाला फार्दर और फार्देस्ट किसी चीज़ के लिए डिस्टेंस बताने के लिए. ओके, नेक्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट. सो बच्चों आई वॉन्ट कि आप इसको लर्न करें. ओके, सो फॉर टुडे दिस विल बी योर होमवर्क कि आपको ये सारी डिग्रीज लर्न करनी है, राइट? चलिए आगे चलते हैं. नाउ कंप्लीट द टेबल पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, स्वीटली. सो हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन बॉक्स में कि अगर जो वर्ड है वो एल वाई से एंड हो रहा है या मोर सिलेबल है उसमें, सो हम उसमें मोर और मोस्ट ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. ओके, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. ओके, फैंटास्टिक, मोर फैंटास्टिक, मोस्ट फैंटास्टिक. ओके, डैश, बेटर, बेस्ट. सो यहाँ पर आप वेल भी लिख सकते हो और गुड भी लिख सकते हो, राइट? ओके, डिफिकल्ट,
more difficult. Most difficult, okay? Now fattest का हमें बताना है, so it will be fat, fatter, okay? Stronger, so ये क्या होगा positive? Simple, strong, okay? And it will be strongest, right? चलिए greedily. More greedily and most greedily. Okay? Now more attractive. So यहां पर तो यही आ जाएगा most attractive. Okay? और यहां पर we will write simple attractive. ओके चलिए तो आपको ये सारी डिग्रीज बच्चों लर्न करनी है. यू विल लर्न ऑल दीज टू. इससे प्रीवियस पेज पे भी जो थी वो भी आप लर्न करेंगे और इन्हें भी आप लर्न करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. यस वी हैव नाउ बी एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. अनीता सिंग्स ब्यूटिफुली यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑफ ऑल द पीपल इन द कॉयर. सो यहाँ पर सारे लोगों से कंपेरिजन हो रहा है अनीता का. ओके और हमें ब्यूटिफुली को लिखना है सुपरलेटिव डिग्री में. सो हम कैसे लिखेंगे? मोस्ट ब्यूटिफुली. मोस्ट ब्यूटिफुली सबसे ज्यादा सुंदर गाया सारे लोगों में से अनीता ने. ओके आई ड्राइव देन माई ब्रदर. सो यहाँ पर देन आ गया है तो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. ओके कंपैरिजन है ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब का. सो वी विल राइट हियर आई ड्राइव मोर केयरफुली. द प्रिंसिपल अराइव्ड देन द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच में कंपेयर है. सो द प्रिंसिपल अराइव्ड लेटर. ओके द ट्रैफिक रशेस नॉइजली बाय माई विंडो. यहाँ पर कोई कंपेरिजन नहीं है सो वी विल राइट ओनली पॉजिटिव डिग्री नॉइजली. आर टीचर एक्सप्लेन्स द क्वेश्चन देन योर टीचर. अब दो टीचर्स के बीच में कंपेरिजन है. ओके सो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडवर्ब आएगा एंड वी हैव द वर्ड क्लियरली. सो वी विल राइट हेयर मोर क्लियरली. ओके एंड्रयू वर्क्स डैश देन आई डू. सो हार्डर कंपेरेटिव डिग्री. ओके बट आर सेक्रेटरी वर्क्स हार्ड ऑफ ऑल ऑफ अस. सो हम में से सबके साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है? सेक्रेटरी का. सो ये है सुपरलेटिव डिग्री. सो यहां पर हम लिख देंगे हार्डेस्ट. राइट यू आर डैश देन मी ओल्डर. ओके व्हाट्स डैश एक्स थिंग यू हैव एवर बॉट. सो कोई कंपैरिजन नहीं है यहां पे. सिंपल वी विल राइट एक्स expensive. Okay, so I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों. चलिए आगे चलते हैं. We have now provocation exercise, exercise C. Compare the three cakes in the picture. अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपको three cakes दिए हुए हैं. One is lemon cake, second is chocolate cake and the third one is cheesecake. Lemon cake price is 450 rupees. Chocolate cake price is 600 rupees and cheesecake price is 750 rupees. Okay, यहाँ पर इनकी calories भी mention की हुई हैं. Lemon cake has 362 calories, chocolate cake has 450 calories and cheesecake has 600 calories. So यहाँ हम इनका comparison करेंगे और उसके according ही हम right degree of adverb put करेंगे. चॉकलेट केक इज डैश चीज केक. लेमन पाई इज डैश चीप. ओके
सो चॉकलेट केक चीप मतलब सस्ता, चॉकलेट केक इज डैश चीज केक. चीज केक क्या है 750 रुपीज का है और चॉकलेट केक क्या है 600 का. सो चॉकलेट केक ज्यादा सस्ता है सो हाँ, और चीज केक महंगा है. सो चॉकलेट केक इज चीपर देन चीज केक. क्यों यहां पर हमने कंपैरिजन करना है चॉकलेट केक और चीज केक का. सो दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी तो हम देन लगाएंगे, राइट. चीप का कंपैरेटिव डिग्री होगी चीपर, सो वी रॉट हेयर चीपर. नाउ लेमन पाई इज चीपेस्ट, राइट, सबसे कम है इसका रेट, तो हम यहां पर लिखेंगे ये क्या है चीपेस्ट, सबसे सस्ता. तो यहां पर आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री. लेमन पाई इज फैटनिंग. फैटनिंग का पता हमें कैसे चलेगा बच्चों, कैलोरीज जब हम देखेंगे. लेमन पाई इज चीज केक. लेमन पाई फैटनिंग किससे है, चीज केक से ज्यादा फैटनिंग है क्या, नहीं. सो लेमन पाई इज लेस फैटनिंग. देन चीज केक, राइट. चीज केक इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव है ही वो, लेकिन हमने यहाँ पर किसी और केक के बारे में मेंशन नहीं किया. सो यहाँ पर यही आएगा, चीज केक इज एक्सपेंसिव. ओके चलिए, चॉकलेट केक इज डैश चीज केक डिलीशियस. चॉकलेट केक इज मोर डिलीशियस देन चीज केक, बिकॉज दो केक्स का कंपैरिजन हमने करना है. प्लीज फिल दिस एक्सरसाइज विद मी इन योर बुक. चॉकलेट केक इज लेमन पाई स्वीट. चॉकलेट केक इज लेमन पाई ज्यादा स्वीट होगा या चॉकलेट, लेमन पाई. सो चॉकलेट केक इज लेस स्वीटर देन लेमन पाई. ओके, सो इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं एंड आई होप कि आपको अब ये कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स भी क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे चलते हैं एंड वी हैव अ वोकैबुलरी टॉपिक ओनोमाटोपोइया. ओके सो चलिए करते हैं, व्हाट इज ओनोमाटोपोइया बच्चों. इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है दैट मिमिक्स द साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्शन इट रेफर्स टू, जो किसी एक्शन की या किसी ऑब्जेक्ट की साउंड के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि जब हम किसी को कहते हैं चुप होने को तो हम कैसे कहते हैं तो ये क्या है, दिस इज़ अ साउंड. ओके तो इससे हमें पता चल रहा है, लाइक अ स्ट्रॉन्ग विंड ग्रोन्स और क्राइज हु. सो स्ट्रॉन्ग विंड की साउंड दी हुई है ऐसे हु करके, राइट. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमाटोपोइया. When you pronounce the word, it will imitate its sound. ठीक है, so चलिए आगे चलते हैं. Yes, each of the word in the word bank is an onomatopoeia. ये सारे यहाँ पर यही words हैं onomatopoeia. हमें choose करना है by writing the correct word. The duck will dash if it is hungry. क्या आवाज निकालती है duck? Quack. निकालती है ना quack? So we will write here quack. Okay. Suddenly he heard the dash of a snake. अब snake की क्या होती है? Hiss. Right. So we will write here hiss. We laid in bed and listened to the thunder. So हम bed में लेटे और हमने क्या सुना thunder का? जल्दी बताइए. Thunder. Boom. Okay. The cat's dash told me it was happy. जब cat happy होती है बच्चों तो वो sound करती है purr. Okay, you can write it. My ice cream cone went splat. Splat मतलब melt होके गिरना on to the sidewalk. Splat. Rohan made a big splash. जब पानी में जाते हैं when he jumped into the river. तो splash. Okay, आवाज आती है ना. So that voice is called splash.
द डैश ऑफ द आउल याउल ऑफ द आउल ओके टोल्ड हिम समवन वॉज कमिंग. सो बच्चों ये जो सारी साउंड्स होती हैं दीज आर द साउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओके और एक्शंस की साउंड्स होती हैं ये. सो वो सारी साउंड्स को हम कहते हैं ओनोमाटोपोया. लेट्स गो अहेड नाउ राइट एन ओनोमाटोपोया दैट डिस्क्राइब ईच पिक्चर. सो बच्चों दिस इज आई वॉन्ट टू गिव यू दिस एक्सरसाइज इन होमवर्क ओके. आपको इनको करना है जैसे मेंढक. दिस इज फ्रॉग मेंढक. सो ये क्या आवाज निकालता है. वॉट इज द साउंड ऑफ अ फ्रॉग. टर टर राइट. सो यू विल राइट दीज साउंड्स हियर एंड दिस विल बी योर होमवर्क. प्लीज डू दिस ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.